कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरव भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मध्य गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री रघुवंश गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित सन्यासीवृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथाथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम लोग गतकल से नवद्वीप धाम महात्म्य कथा वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। ये नवद्वीप अतीव सुंदर देव दुर्लभ धाम का, जैसे जैसे अभी महाराज जी ने भी बताया, जितने भी धाम है समस्त धामों की शिरोमणि मूल जो है ये नवद्वीप धाम का है। और समस्त धामों की सार ही नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से जितने भी धाम है समस्त धाम अपने आप परिक्रमा हो जाती है। वृंदावन धाम ही परिक्रमा हो जाती है, जगन्नाथपुरी भी धाम हो जाती है, और जितने भी तीर्थ स्थल जो है सभी फल अपने आप प्राप्ति हो जाता है। जितने भी नदियां भी है पवित्र नदियां है, गोदावरी कावेरी ताम्रलिप्त है, गंगा जमुना सरस्वती जितने भी पवित्र पवित्रा नदियां हैं, उस नदियों की भी स्नान की फल नवद्वीप धाम में प्राप्ति हो जाते है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर श्री श्री नवद्वीप धाम महात्म्य वर्णन कर रहे हैं। इतने सुंदर धाम, बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते रहते हैं इस नवद्वीप धाम के दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। वृंदावन धाम 84 क्रोश कहा जाता है, कितने 84 क्रोश 84 क्रोश वृंदावन धाम। कहीं कहीं वैष्णवों की भी पंडितों की इसी प्रकार की मत है, 84 लाख की जन्म कि तुम्हारे सारे बंधन छूट जाए। जीव 84 लाख जन्म में भटकता रहता है, किंतु 84 क्रोश वृंदावन धाम ब्रजधाम ब्रजमंडल 84 क्रोश परिक्रमा करने से अनायास में अति सहज रूप में 84 लाख जन्म की से मुक्त हो जाता है। मोक्षदाता भी कहा जाता है, धाम में सब कुछ विराजमान है। ठीक उसी प्रकार नवद्वीप धाम कितने क्रोश, 16 क्रोश नवद्वीप धाम। इसके भी हमारे भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन भी करते जा रहे हैं, बोले 16 क्रोश मध्ये नवद्वीप प्रमाण 16 प्रवाह तथा सदा विद्यमान करें। 16 क्रोश
श्री नवद्वीप धाम में सुलह प्रवाह यानी नदियां सदैव विराजमान है। जितनी भी पवित्र नदियां हैं नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर की कृपा प्राप्ति करने के लिए और समस्त नदियां मानो मूर्तिमान होकर के साक्षात रूप में नवद्वीप में विराजमान हुए हैं और नवद्वीप छोड़कर के वे लोग जाना भी नहीं चाहते नदियां जी। इसलिए उन धाम को क्या कि नौविधा रूप में विभक्ति भी कर दिया। इसलिए कह रहे हैं मूल गंगा पूर्व पूर्व तीरे दिव चतुष्टय तहार पश्चिम सदा नवद्वीप है। गंगा के पूर्व तट पर चार द्वीप और पश्चिम तट पर पांच द्वीप सदैव विद्यमान है। ये नवद्वीप पूर्व तट पर कितने चार और पश्चिम तट पर पांच, ये नौ द्वीपों के द्वीप बने टापू है। ये चार द्वीपों की जन चार ये पांच और चार नौ द्वीप टापू के समाहार कहा जाता है। सुरधनी प्रभाव है बेड़ी दीप गणे नवद्वीप धामे शोभा दैवनु खणे। सुरधनी माने भगीरथी गंगा सभी दीपों की परिवेष्टित करती हुई प्रभाव होती है अर्थात गंगा देवी वहीं पर प्रवाहित हो रही। गुरुदेव कहते थे गंगा और यमुना ये दोनों ही बहन है। गंगा की बड़ी बहन माना जाता है और गंगा यमुना की छोटी बहन माना जाता है। आज समझ पर हिंदी और बांग्ला में कोई फर्क नहीं है, छोटी बहन और बड़ी बहन। गुरुदेव कहते थे बोले बांग्ला और हिंदी में क्या है लगा दो है लगा दो, जाता है खाता है पीता है। भाई बंगला सीखना बहुत सरल हो जाता है आप लोग थोड़ा प्रयास करो तो बंगला सीख जाओगे। है लगा दो बस, जाते हैं खाते हैं जाता है पीता है ठीक है तो है ही है कर दो बस। बड़े ब्राजील में सीधी जाते ना गो स्ट्रेट बोले है तो तो मैंने गो स्टेट फॉरवर्ड है मैंने कह हाथ हाथ में नहीं हाय 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 हिंदी में कहते हाय। और वो लोग ब्राजील में कहते पुर्तगीज में क्या बोलते है तो मैंने स्टेट गो स्टेट फॉरवर्ड। तो हिंदी में भी कहते है लगा दो, बंगला में उधर जाता है खाता है पीता है सोता है तो है दोनों बहन है ना, एक ही माँ की तो दो बहन है केवल इसके साथ ही इधर हो गया उसके साथ ही उधर हो गया यही तो है। और जहां जहां पर होता है वहीं पर वो क्लाइमेट में रह करके वही सीख लेते हैं। कितने बहने तुम दो है करते जाओ पहुंच जाओगे बस। तो हमारी नदियां जो है ये गंगा देवी है गंगा और यमुना है। गंगा देवी के सौभाग्य को देख करके ए यमुना की सौभाग्य को देख करके गंगा देवी भी भगवान की कट करने लगे जे मेरे बहन के तुमने इतना प्यार दिया है ब्रज में यमुना नदी में प्रभु ने क्या किया बहुत लीला आदि की गंगा में ब्रज में एक यमुना देवी कहने लगे प्रभु मुझे भी ऐसे प्यार दो है। तो ठाकुर जी कहने लगे कोई बात नहीं है मेरा ये कृष्ण लीला के बाद ही मैं गौर लीला में तुमको प्यार दू। तो वही कृष्ण गौरांग के रूप में नवद्वीप में पधारे है। वही कृष्ण गौरांग के रूप में नवद्वीप में पधारे और साक्षात गंगा देवी वहीं पर भी प्रकट हुई है। और गंगा देवी गौर सुंदर की प्राप्ति करके प्रेम में डूब गए और गौर धाम को छोड़कर के जाना नहीं चाहती है। बोले उनके
पोतीदेव भी कहने लगा, अरे गंगे तुम कहां छुप गए? बोले बोले एक होता है पति और एक होता है परम पति, याद रखना, एक होता है पति और एक होता है परम पति, है कि नहीं? परम पति कौन है? भगवान। इस संसार में तो पति है, विवाह होने के बाद पति माना जाता है। चलो ए? और हमारे परम पति, परम शब्द के अर्थ संस्कृत में क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ पति कौन है? भगवान है, गोविंद है, परम पति परमेश्वर का है। एक ईश्वर होता है, एक परमेश्वर होता है, है? एक ईश्वर होता है और एक परमेश्वर है, परम पिता। एक पिता होता है, एक परम पिता होता है। देखो हमारे शास्त्र में सब जगह में ऐसे लगे हुए, संस्कृत में ऐसे लगता है, एक पिता एक परम पिता, एक पोती एक परम पति, परम पति। एक ईश्वर होता है, एक परमेश्वर होता है, परम ईश्वर परमेश्वर है। ठीक उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर वही प्रभु नवदीप धाम में गौरांग के रूप में प्रकट हुए और गंगा देवी वहीं पर रहने, नवदीप धाम को छोड़ा नहीं। और उनके पति, गंगा के पति कौन हो गए? समुद्र है, जहां पर समुद्र भी अपने पत्नी के स्वभाव को देख करके वो भी तरसते रहे, जो मैं गुरु सुंदर की कैसे कृपा को कैसे प्राप्त करें। इसलिए अब तक भी नवद्वीप में जाए, जहां पर समुद्र आकर के है वहीं पर मिले, इसके नाम ही हो गया क्या? समुद्र गढ़ है। इतने सुंदर संग समुद्र भी गौर सुंदर की कृपा प्राप्ति करने के लिए वहां पर पधारे, इसलिए समुद्र गढ़ हो गया ना। अथवा पुराण के अनुसार समुद्र सेन राजा की कथा भी है, या आगे जाकर के हम बताएंगे धाम की जो महाप्रज समुद्र सेन राजा की कथा बहुत सुंदर रोचक भी है, जहां पर भीमसेन की कथा और समुद्र सेन की कथा है। तो आइए यहाँ पर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं। मध्य मूल गंगा देवी रहे अनुक्षण, अपर प्रवाहे अन्न पूर्ण नदी गण। इस प्रकार नवद्वीप धाम धाम के धाम के मध्य में मूल गंगा देवी सदैव प्रवाहित होती है और अन्य अनेक लोक पावनी नदियां नवद्वीप धाम में इधर उधर बहती है। जितने भी नदियां पवित्र नदियां, कितने नदियां नवद्वीप में आ गई याद है? 16। इसलिए 16 क्रस धाम नवद्वीप कहा जाता है। 16 जो पवित्र नदियां पूर्व से लेकर के उत्तर से लेकर के पश्चिम से लेकर दक्षिण से लेकर के समस्त नदियां है नवद्वीप धाम में विराजमान है। गंगा निकट वहे जमुना सुंदरी, अन्नधरा मध्य सरस्वती विद्याधरी। पावनी भागीरथी गंगा के साथ मिलकर पश्चिम तट की और सुंदर जमुना महारानी बहती है और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती अन्न एक धारा में प्रवाहित होती है। आप नवद्वीप धाम में जाओगे ना, वहीं पर तीन धाराएं एक साथ में चलती है। क्या क्या? गंगा, गंगा की धारा कैसी होती है? सफेद होता है। और जमुना की धारा आजकल उसके कहा जाता है कलिंजी कहा जाता है, कलिंदी बा कलिंजी कहा जाता है। एक्चुअल वो जमुना की धारा बिल्कुल देखोगे वो ब्लैक जैसे है। और सरस्वती सुंदर शुभ्र है धारा, तीन धारा एक साथ में चलती है। इसलिए एक सरस्वती, जमुना और गंगा, तीन वहीं पर भी चलती है। ये सरस्वती कौन है? ये सरस्वती जो है साक्षात भगवत स्वरूपिणी माना जाता है। पुराण की कथाएं है, जब स्वयं भगवान लक्ष्मी देवी के जो है अपने वक्षस्थल में स्वर्ण रेखा के रूप में धारण किया, जो वृंदावन की बेलवन की कथा हम श्रवण कराते हैं ना, ये लक्ष्मी देवी हजारों साल तक गोविंद की राजलीला में प्रवेश करने के लिए कठोर तपस्या आदि की, फिर गोविंद प्रकट हुए, वरम भी वर मांगो, तो लक्ष्मी देवी कहने लगी
यदि मुझे वर देना है तो गोपियों की भांति आप मुझे अपने सर्वोत्तम माधुर्य रासलीला में मुझे प्रवेश कराइए। इस कथा सुनकर के कृष्ण कहने लगे, हे लक्ष्मी देवी, ये तुम्हारे बाहर है, तुम ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ी दुर्लभ है। गोपी भाव जब तक नहीं हो, गोपियों के अनुगत्य जब तक स्वीकार नहीं करें, ये राजलीला में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। कृष्ण ने अनेकों उनके पास बताया, ये देखो राजलीला में प्रवेश करना है गोपियों की भांति, मेरी सर्वोत्तम राजलीला में प्रवेश करना है तुम्हें, लक्ष्मी जो है ब्राह्मणी अभिमान को त्याग देना पड़ेगा। दूसरी, गोपियों के अनुगत्य में ब्रज में गोपी गृह में जन्म लेकर के गोपियों के अनुगत्य में सेवा करना पड़ेगा। फिर दूसरी, गोपियों के साथ तुम्हारा विवाह भी होगा है? और तीसरी, फिर छुप करके पर के अभाव से मुझसे मिलना पड़ेगा, तब कहीं आगे जाकर शादी करने लगे। तो उस समय कृष्ण ने कहा, ठीक है, आपको मैं अपने वाम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा की भांति मैं स्वीकार कर लेता, ग्रहण कर लेता। इसलिए लक्ष्मी देवी कृष्ण के वक्षस्थल पर, वाम वक्षस्थल पर बाएं तरफ स्वर्ण रेखा की भांति विराजमान है। तो लक्ष्मी के ऐसे सौभाग्य देख करके सरस्वती देवी भी भगवान की प्रार्थना करने लगी, ये प्रभु लक्ष्मी के इतने सौभाग्य दिया, प्यार दिया, और मुझे क्यों वंचित करो। विद्या की अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी देवी कहा जाता है ना, ये लक्ष्मी देवी क्या सरस्वती, धन के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी देवी और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। सरस्वती भी प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे भी स्वीकार करो। तो भगवान ने किया कि सरस्वती की जो है वंशी के रूप में स्वीकार किया। ये भगवान कृष्ण के हाथ में जो वंशी है ना, ये वंशी कौन है, ये सरस्वती है। वंशी के रूप में प्रभु के हाथ में विराजमान होते हैं और लीला रस आस्वादन करते हैं। वंशी प्रिय सखी भी कहा जाता है। चलो, ये तो पुराण की बहुत गोपनीय कथा है, ये किस प्रकार सरस्वती देवी कृष्ण के वंशी के रूप में प्रकट हुए। तो ये गंगा की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। जे गंगा निकट वहे जमुना सुंदरी, अन्नधरा मध्य सरस्वती विद्याधरी। हमारे भक्तों में ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, भगीरथी या भागीरथी गंगा के साथ मिलकर पश्चिम तट की ओर सुंदर जमुना महारानी बहती है, और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती अन्न एक धारा में प्रवाहित होती है। वही सरस्वती देवी नवद्वीप धाम में सरस्वती नदी के रूप में विराजमान है, बहुत सुंदर। ताम्रपर्णे कृतमाला ब्रह्मपुत्रत्राय जमुनार पूर्व भागे दीर्घ धारा मोहे। कहते हैं जमुना के पूर्व भाग में प्रबल प्रवाह वाली ताम्रपर्णी, कृतमाला और ब्रह्मपुत्र नामक तीनों नदियां प्रवाहित होती है। सरजु नर्मदा सिंधु कावेरी गोमती प्रस्ते वहे गोदावरी सह दुत गति। सरजु नर्मदा सिंधु कावेरी गोमती आदि लोक पावनी पवित्र नदियां गोदावरी के साथ मिलकर प्रबल वेग से प्रवाहित होती है। ये समस्त नदियां नवद्वीप धाम में विराजमान है। मैंने कहा ये 16 नदियां हैं, पर लोग स्नान आदि करने के लिए, पुण्य तीर्थ आदि करने के लिए जाते हैं। दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत, उत्तर भारत से लेकर के पश्चिम और पूर्व भारत जाते हैं। जो लोग पुण्य आदि प्राप्ति करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए जाते हैं। किंतु नवद्वीप धाम जाओ तो अनायास रूप में, अति सहज रूप में ये 16 नदी में अपने आप स्नान हो जाते।
धारा परस्पर करी छेद एक नवद्वीपे नवविध करे भेद। यह सभी धाराएं विभिन्न धाराओं के रूप में एक नवद्वीप के नौ भाग में विराजित करती रहती है। नौविधा भक्ति हमारी भागवत में बनाई गई। क्या क्या प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत में कितने प्रकार भक्ति के बारे में बताया गया, याद है किसी का? बताओ। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख आत्मनिवेदन है नवविधा भक्ति है ना। बोले नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से नवविधा भक्ति अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, बस केवल नवद्वीप धाम में जाओ, बस परिक्रमा भी नहीं करें। बोले नवद्वीप धाम में जाकर कोई सोए तो सो जाए ना, लेट जाओ, ठाकुर जी बोले मुझे प्रणाम कर ले, दंडवत प्रणाम ही हो जाता है। भाई गिरिराज गोवर्धन में लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं, अच्छा 1108 दंडवती प्रणाम लगाते एक स्थान पर, देखा है ना नवद्वीप गिरिराज परिक्रमा करते हुए है। बहुत लोग छोटा छोटा पत्थर को रखते हैं, 108 पत्थर रखते हैं एक जगह में है, और एक ही जगह में वो परिक्रमा लगाते दंडवती प्रणाम करते। बोले नवद्वीप धाम में जाकर के केवल नवद्वीप धाम में सो जाओ, करना कुछ नहीं है, महाप्रसाद ग्रहण करो फ्री में, पैसा नहीं लगता उन्हें, फ्री में नवद्वीप में प्रसाद ग्रहण करो, और क्या करना है कुछ करना ही नहीं, सो जाओ बस, खाओ और सो जाओ, कुछ करना नहीं है। बोले खाओ और सो जाओ उसमें क्या हो जाता है, बड़े दंडवती प्रणामी फल मिल जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। बोले नौविधा भक्ति क्यों अपने आप हो जाती, कुछ करना नहीं पड़ता है। प्रभु इच्छा है कभू धारा शुष्क है, पुनः इच्छा हुई धारा है जलमय। चैतन्य महाप्रभु के इच्छा से कभी तो ये धाराएं खूब ये सूख जाती है, और कभी पुनः प्रभु की इच्छा से जलमय हो जाती है, पानी भर जाता है। प्रभु इच्छा है कभु डूबे कौन स्थान, प्रभु इच्छा है पुनः होय से दर्शन। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से कभी कभी वह स्थान पानी में डूब जाता है, और कभी कभी प्रभु की इच्छा से उस स्थान को दर्शन भी हो जाता है। निरवधि धाम लीला करे भगवान जनप्रति सर्वकाल स्पुरे। जत भी इस प्रकार यह धाम निरंतर लीला करता है, तथा भी सौभाग्यशाली व्यक्ति के प्रति वह धाम सब समय प्रकाशित रहता है। जो महाभाग्यवान, महाभाग्यवान सुकृतिवान जो अनेकों जन्म जिस लोगों ने भजन साधन किया है, बड़े प्रभु कृपा करके ऐसे स्थान को दर्शन कराते हैं। क्यों, धाम चिन्मय वस्तु है, ट्रांसेंडेंटल है, वो धाम माया के जाल के द्वारा वो ढके रहते हैं। जब जीव प्रभु के चरण में समर्पित हो जाता है तो माया देवी वो जाल जो है नेट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और तब चिन्मय नवद्वीप धाम को दिखाई देता है। इतने सुंदर नवद्वीप धाम जाओगे ना, आपके पास खाने की कुछ इच्छा ही नहीं करेगा है, ऐसे सोते हैं, बस सोते रहे। जिसके यहाँ पर आपकी यदि नींद नहीं हो रही है, आप नवद्वीप धाम में चलो बिल्कुल सो जाओगे है, इतना नींद होगी ना गोली भी खाना नहीं पड़ेगा है, आराम से सो जाओ। आप जो सो जाने से कहते हैं क्या, सब परिक्रमा के फल अपने मिल जाता है नवद्वीप धाम। इतने क्या करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं, यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन में 108 दंडवती प्रणाम लगाना पड़ेगा, तब वो गिरिराज प्रसन्न हो भी नहीं हो भी कौन जाने हैं। प्रणाम परिक्रमा करते करते लोग थक जाते हैं, किंतु नवद्वीप धाम में कहते हैं खा पी करके सो जाओ बस, कुछ करना नहीं है, है? जिन लोग उठ नहीं पाते हैं चले जाओ नवद्वीप धाम। कितने समय तक सोना चाहते हो, कहाँ तक कितने समय सोओगे बताओ, 10 बजे तक, 12 बजे तक, कितने घंटे सोना चाहते हो, जाओ नवद्वीप धाम,
बोले परिक्रमा के फल मिल जाए। परिक्रमा करना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, है पैर में दर्द हो जाता है ना, बोले नवदी धाम में कोई भी बात नहीं, जाप इसलिए कह रहे हैं महाभक्तवान है एक्सट्रीम फॉर्चून जरूर। बोले नवदी धाम में जाकर के सो जाते, बोले यहाँ कोई जद भी इस प्रकार यह धाम निरंतर लीला करता है, तथापि सौभाग्यशाली व्यक्ति के प्रति वह धाम सब समय प्रकाशित रहता है। दिव्य चिन्मय उत्कट वसना यदि भक्त हृदय है सर्वदीप सर्वधारा दर्शन हृदय, यदि किसी प्रकार किसी भक्त के हृदय में उन सभी धाराओं के नदियों की दर्शन करने की प्रबल इच्छा वासना हो तो सभी दीपों की और सभी धाराओं धारणा एक धाराएं जो है नदियां जो है साक्षात रूप में प्रकट होकर दर्शन देते हैं। कितने धाराएं हैं पर बताएंगे 16 धारा, एक ही साथ में 16 नदियां आपके पास साक्षात रूप में विराजमान होकर के दर्शन देते हैं। बोले नवदीप धाम के इतने महिमा कहते हैं क्यों, नवदीप चंद्र नवदीप धाम के कहा जाता है क्या, उदार जमय धाम कहा जाता है, प्रातः काल में कहा जाता है उदार, उसके कहा जाता है जो बिने मांगे हुए सब वस्तु के लुटा देते हैं, योग्यता रहे अथवा योग्यता नहीं रहे सब दे देते हैं, ऐसे व्यक्ति कैसे उदार कहा जाता है, उदार जमय धाम महा प्रभु के धाम गौरांग सुंदर, गौर सुंदर की एक बार कोई स्मरण कर लेते हैं, यहाँ पर सोते रहो कुछ नहीं हम मिलेगा, दिल्ली में सोते रहो पांडव लोग आकर के गदा लेकर भीम गदा लेकर के सोए उठ खड़े हैं, यहाँ पर सो जाओ ना, ये इंद्रप्रस्थ कहा जाता भाई, ये इसको क्या बोलते हैं, दिल्ली को क्या नाम था पहले इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ कौन रहता है, पांडव लोग रहता है, भीम गदा लेकर के विराजमान होते हैं, कोई सोते हैं ना भीम की गदा लेकर के आपको कहे खड़े हो जाओ कब कब तक सोते रहोगे, उठ जाओ काम करो किंतु हमारे नवद्वीप धाम कोई नहीं करे बिठाएंगे, चैतन्य महाप्रभु कहेंगे अरे तू थक गए बेटा कोई भी बात नहीं सोते रहो, 10 बज गया कोई भी बात नहीं सोते रहो, महाप्रभु आपके भी खिलाएंगे, हाँ भाई महाप्रभु कहेंगे अच्छा ठीक है सोते रहो है चलो थोड़ा चावल खा लो बस, है यहाँ पर रोटी खाते हो ना वहां पर क्या खाना पड़ेगा चावल खाना पड़ेगा, हाँ और भी मिठाई मिलेगा है समझ में, संदेश दही मिलेगा, दही बारी वो दही एक बार कोई खाओ ना भूलोगे नहीं, तो कौन कौन गए दही खाया नवद्वीप का दही किसने खाए, आप नहीं गए माता जी, हाँ चलना है चलना सब लोग नवद्वीप के दही एक बार खाओ ना बिल्कुल इतना मिठास है क्या बताओ, है मेरा अभी भी बोलने से मेरा मुंह में जो है लाल टपक कर रहता है, नहीं बंद कर दे बोलना इसलिए, है नवद्वीप के दही और संदेश, संदेश समझते हो है मिठाई इतने सुंदर है मैं क्या बताऊं, है आप भी एक बार खा लो ना आप नाम लेने के साथ ही साथ लाल टपकते रह गया, कहते महाराज थोड़ा लिया ना, बोले ठीक है खिला, इतने मिठास आनंद आता है, क्यों मैं करूं, बोले नवद्वीप धाम में कोई सोते रहे गौर सुंदर भी उनको खिलाएंगे, बोले दही खाली बेटा हाँ तू सोते दे सकते है, क्यों उदार है ना, इसलिए कह रहे हैं उत्कट वासना यदि भक्त हृदय है सर्वदीप सर्वधारा दर्शन मिलाय, कहु सपने कहु धने कहु दृष्टि जोगे भामेर दर्शन पाए भक्ति रसन जोगे, और भक्ति रमन ठाकुर फिर कह रहे हैं ऐसे भक्त को भी सपनों में कभी ध्यान में और कभी साक्षात नेत्र से भक्ति संजोग के द्वारा धाम का दर्शन प्राप्त करता है, साक्षात धाम प्रभु दर्शन करा देते माया कृपा करी माया जाल उठाए जखन आंखी देखे सुविशाल छिन्नमय, पर ये धाम के ऊपर जो माया की जाल पड़ा हुआ किंतु जिसकी उत्कट वासना होता है, उत्कट माने प्रबल इच्छा होती है साक्षात धाम प्रभु उनके निकट प्रकट होकर दर्शन करा दे और माया जल अपने आप हट जाता है, गंगा जमुना जोगे सही दीप है अंतर्दीप नाम तार सर्वशास्त्रे कय,
गंगा और जमुना के मिलन से जो दीप टापू बनता है, सभी शास्त्र में उसे अंतर्दीप कहकर पुकारती है। अंतर माने मध्य है, अंतर्दीप मध्य पीठ जो मायापुर जथा जन्मिल प्रभु श्री चैतन्य ठाकुर। अंतर्दीप के मध्य में मायापुर योगपीठ है, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया। बोले इतने सुंदर स्थान है, संत चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर अंतर्दीप मायापुर में उन्हें प्रकट हुए। गोलके अंतर्वर्ती जय महाभवन मायापुर नवद्वीपे जान भक्तगण। बोले गोलोक के अंतर्गत जो गोकुल महाभवन है, वही नवद्वीप धाम की मायापुर कहा जाता है। मैंने कहा ना, नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से ब्रजमंडल की 84 क्रोश ब्रजमंडल की परिक्रमा हो जाए, मायापुर की परिक्रमा हो जाए है। बोले इतने सुंदर स्थान है। शतद्वीप वैकुंठ गोलोक वृंदावन नवद्वीपे सब तत्व आचे सर्वक्षण करें। शतद्वीप वैकुंठ गोलोक और वृंदावन नवद्वीप धाम में सब समय विराजमान रहते हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची धारा अवंती द्वारका सही पूरी सप्त धारा। बोले नवद्वीप धाम में ये सप्तपुरी मोक्षदात्री कहा जाता है, मुक्ति दे देते हैं। अयोध्या भी वहीं पर विराजमान है। आज प्रातः काल में कहा था ना, क्या बोला था याद है? एक वृंदावन थोड़ा मैं स्मरण दिला देता हूँ, जिसमें भी लोग जो लोग नहीं आए है। एक हमारे ब्रज के रहने वाले एक संत महात्मा ब्रज में भजन करते थे है, कृष्ण कृष्ण नाम जप करता था। और एक दिन वो कोई संत महात्मा बोले, ये देखो तुम तो केवल ब्रज में रहा, ब्रज छोड़कर तो बाहर कुछ नहीं देखा, चलो एक बार घूम करके आते। बोले कहाँ जाओगे? बोले अयोध्या को थोड़ा घूम करके आते हैं। वो ब्रज के संत महात्मा कहाँ पहुँच गए? अयोध्या में पहुँच गए। भाई ठाकुर तो उनके तो कन्हैया ही है कृष्ण कृष्ण है। 2 बजे संत महात्मा उठ करके चिल्लाने लगे, क्या बोले? कृष्ण 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 कृष्ण। और वहीं पर अयोध्या में एक संत महात्मा रहते थे है? रामलाला के पास। वो बोले, हे कहाँ से आ गया, हल्ला क्यों कर रहे हो, नींद नहीं आती है? नींद नहीं आती, जा दूसरी यहाँ पर रामलाला सो रहे हैं। अयोध्या है ना, रामलाला कहते हैं ना है? अयोध्या के लोग क्या बोलते हैं? अरे रामलाला की तुम की नींद के क्यों ऐसी नष्ट क्यों करे, जा कौन कहां से? तो वृंदावन के रहने वाले संत महात्मा करके, मैं वृंदावन से आया, जा वृंदावन जा। ये हल्ला करते रहते, रामलाला सो रहे हैं और कृष्ण कृष्ण के जप कर, जानते हो? यहां पर अयोध्या में रहना है तो क्या जप करना पड़ेगा? राम 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 राम। भाई जे जहां पर स्थान है ना, वहीं पर तो करना पड़ेगा ना। बोले नहीं नहीं मैं तो ब्रज कर रहा हूं। तो ब्रज कहते ब्रज के ब्रज में जा, यहां पर क्या करना है? हमारे ठाकुर जी की नींद के तुम क्यों नष्ट क्यों करते है? अरे रहना है यहीं पर, राम नाम जप करना पड़ेगा। किंतु ब्रज के ठाकुर को, ब्रज के संत महात्मा, वो भी अक्खड़ था, वो भी कम नहीं है ना। ब्रज के भी लोग होता है, बहुत टेढ़े भी होता है, लाठीबाज भी होते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं होते, छोड़ देंगे थोड़ी है। बोले क्या बात है? बोले यहां पर रहने। बोले क्यों? बोले तेरा कृष्ण क्या है? टेढ़ा है, है? चोर है, है? है? लाबार है, लाचार है, है? बोलते हैं ना, लाबार है और लाचार भी है? है? अरे ब्रज में सब ऐसे ही है सर, ये हमारे मेरे ठाकुर जी रामलाला सीधी है, है? तो राम देखो, राम नाम जप करो कितने सरल होता है, बोलो राम। अरे कोई नहीं बोले, बोलो राम। अच्छा देखो कितने सरल हो गए ना, बोलो कृष्ण। कितने कष्ट होता है ना, कृष्ण
हाँ जीभा के टेढ़ा करो तब तो निकलेगो है क्री 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 क्री। अरे देखो हमारे राम अयोध्या के संत महात्मा राम की प्रशंसा करने लगे और कन्हैया को तो सारे दोस्त दिखाने लगे, वो चोर है, लाचार है, लवार है, है? टेढ़ो है। भाई ब्रज में भी कहते हैं तू टेढ़ो 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 नजरिया, तो ब्रज टेढ़ो सब टेढ़ो है, तो टेढ़ा तो भाई उनको जब अयोध्या के संत महात्मा उनको तो उनके कृष्ण के जैसे जब गाली दिया तो उनके मन में बहुत दुख हो गया। वो छोड़ करके अयोध्या छोड़ करके वृंदावन में आ गए, आकर के अपने ठाकुर जी की सारी कथा सुनाया, थोड़ा उनके मन में दुख भी हुआ और कुछ ऐसे मन में मान भी हो गया। मान जानते हो ठाकुर जी के कहने लगे, ठाकुर जी मैं व्रत छोड़ करके मैं अयोध्या चला जाऊंगा, तेरा भजन करके कुछ लाभ नहीं है, तू चोर है। भाई भागवत में लिखा है नहीं कि ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम, भाई लिखा है कि नहीं शास्त्र में? और बिल्ल मंगल ठाकुर कहते हैं कृष्ण तो ब्रज में क्या है वो मक्खन चोर। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं गोपांगनां च दुकुल चोरं अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चोरं अग्रगणं पुरुषं नमः। अरे कभी तो चलो मक्खन चोरी कर लिया कोई भी बात नहीं है, है? और कैसी वो ढीठ है, लड़कियों की भी है वस्त्र भी चोरी करे, ये कोई थोड़ी बात है, ये गंदी बात नहीं है, है? ठाकुर जी के साथ उन्होंने यही बोलने लगे, बोले तो इसलिए मैं चला जाता हूं, मैं कहां जाऊंगा अयोध्या में। ठाकुर जी बोले, ब्रज के ठाकुर जी कन्हैया बोले, कृष्ण बोले तुम जाना चाहते हो? अरे नहीं नहीं मत जाओ, ब्रज छोड़ करके कहां जाओगे तुम? बोले मैं अयोध्या जाता हूं राम नाम जप करूं। है राम नाम जप करके क्या मिलेगा तेरे? ये कलिकाल है, ये कलिकाल में राम नाम नहीं चलेगा, कलिकाल में कृष्ण जप करने पड़ेगो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलिकाल में राम नाम नहीं, कृष्ण नाम जप करना पड़ेगा। ठाकुर जी जब भी ठाकुर राम और कृष्ण नहीं है, ये प्रेम की बात है भाई, जब प्रेम में भिड़ जाते हैं ना तब पति पत्नी में झगड़ा होती है ना, दंपत्य प्रेम होता है ना, झगड़ा होता है तो थोड़ी वो झगड़ा थोड़ी है, वो तो प्रेम की बात है। इसलिए जो मैं जो कह रहा हूँ ठाकुर जी जो करे ना ये प्रेम की बात कर, नहीं तो अपराध हो जाएगा, किंतु वही तो राम है। चलो ठाकुर जी कहने लगे, चलो मैं संक्षेप में बताऊं, 9 बजे ठाकुर जी कहने लगे ठीक है तुम्हें जाना है तू जा, एक काम कर मुझे अंतिम स्नान करा करके जाना, क्या करो अंतिम स्नान करा करके तू जाना अयोध्या जाना और भजन करना होगा जैसे लागे तेरा। जैसे पत्नी कहती है ना मैं चले जाऊंगा चले जाऊंगा, कहाँ जाओगे पति के अपने प्योहर में चले जाओ, जा जाना है तो जा रसोई बना करके जा जाना है तो जा, क्या करना है रसोई बना करके जा कि पति को भी डर है बोले ये चले जाए तो रसोई बजन होगी, तो जाना है तो जा रसोई बना करके जा क्योंकि मैं खा पी तो प्योहर से मैं लोटा करके इसमें हमारे ब्रज के ठाकुर भी ऐसे भी टेढ़े भी है। ठाकुर जी कहने लगे ठीक है तेरे अयोध्या जाना है प्रेम जी वहीं पर है जा चले जा, तो मुझे स्नान करके स्नान करा करके जा। तो ठाकुर ब्रज के जो संत महात्मा है ना ठीक है तुमको मैं अंतिम स्नान करा करके जाता हूँ। बोले कैसे स्नान करोगे? देख कुएं में है ना, इस कुएं से बाल्टी भर करके मुझे स्नान कराना। ठाकुर जी ने आदेश दे दिया, कैसे स्नान कराना है? कुएं से बाल्टी भर कर निकाल करके ला और स्नान करो। ठाकुर जी भी बहुत चालाक है ना, ब्रज के ठाकुर जी कम नहीं है। ठाकुर जी ने किया कि कृष्ण ने किया कि पहले रस्सी को खोल दी बल्टी से और बाल्टी को क्या किया दिया कुएं में गिरा दी है। तो संत महात्मा तो इधर उधर घुमा, देखो बाल्टी नहीं मिला। ठाकुर जी के कहने लगे मैं भी बाल्टी कहां दे, बाल्टी नीचे गिर गया है, बाल्टी कैसे उठाए? तो ठाकुर जी भी कम नहीं है, ठाकुर जी पहले से एक लंबी जो है सीधे सरिया, सरिया जानते ना लोहे
सरिया को ऊपर रख दिया, बोले इस सरिया से उठा बाल्टी को, बोले ये तो सीधे सीधी है सरिया, इसे बाल्टी कैसे उठेगा, बोले तू एक काम कर, उठाना आता नहीं है, नहीं, अरे एक तो सीधे दिमाग तो लगा, तुम अयोध्या में चले जाते हो वो तुम्हारा हमारे गाली देता तू सुन करके आ जाता है, इधर तुम्हारे दिमाग नहीं है, सुन ये सरिया है ना इसके थोड़ा टेढ़ा कर, भाई थोड़ी सरिया के थोड़ा टेढ़ा कर, टेढ़ा करके कुएं में ऐसे लगाओ, देखो बाल्टी आ जाएगा उसे उठा। हाँ संत महात्मा बोले हाँ कन्हैया ये तो बात सही है, बात सही है, सीधी सरिया से बाल्टी नहीं निकलेगा। तो संत महात्मा ने किया कि सरिया के जो है लगे सरिया ना उसको किसी तरह से टेढ़ा किया और टेढ़ा करके कुएं में ऐसे ऐसे करे किया तो बाल्टी ऊपर आ गया। ठाकुर जी को ठाकुर जी मुस्कराने लगे आनंद, संत महात्मा कहने लगे क्यों हंस रहे क्यों, ठाकुर जी कहने लगे अरे तू सुन मैं ब्रज में इसलिए टेढ़े हूं, मैं वही राम हूं, अरे ब्रज में अयोध्या में वही मैं राम हूं और मैं इधर क्या है टेढ़े, अरे कलिजुग है, कलिजुग में सब जीव कैसे है बल्टी की भांति कुएं में पड़े हुए, सब ये संसार रूपी कुएं में सब पड़े हुए। अच्छा बोलो मैंने कहा ना एक बल्टी के उठाने के लिए सरिया को टेढ़ा करना पड़ता है और कितने अनंत जीव है सब कुएं में पड़े हुए उसको उद्धार करने के लिए मुझे टेढ़ा नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा सीधी में कैसे होगा तुम बताओ, इसमें ब्रज में टेढ़ा हूं बल वृंदावन बिहारी इसलिए कहते हैं ठाकुर जी की कहते हैं भाई कलिजुग है, कलिजुग में ठाकुर जी की भी टेढ़ा होना पड़ता है तब तब जीव रूपी बाल्टी जो कुएं में संसार रूपी कुएं में पड़े हुए ना उसको ठाकुर जी उठाएंगे, इसलिए हमारे कन्हैया की भजन करो और कुछ करना नहीं है, बोलो जय जय श्री राम, बोलो टेढ़े लाल की जय, जय जय गुरु प्रमाण, आगे की कथा सुनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा टेढ़ों के भजन करो ना सीधे को नहीं, क्या बोला याद आ रही नहीं माता जी, हाँ सीधी के नहीं टेढ़े को भजन करने पड़ेगो कलिकाल में, सीधी में नहीं होगा कुछ, हाँ ठीक है ना समझ में आ गया ना, हाँ अरे ये तो है तो। आ जा चलो एक बार फ्रेश कर लो है, फ्रेश माला बदल कर लो सबके सामने एक बार, तो आप उसको पहना दो उनको पहना दो, काल कहा था ना हमारे रामचंद्र, और एक माला कहाँ है नहीं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उनके हाथ में दे दो इनका हाथ में दे दो ये फूल दे दो, हाँ सबके हाथ में फूल दे दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम, हाँ बोलो ओ स्वस्तिनो गोविंदः स्वस्तिनो अच्युतानंदो स्वस्तिनो वासुदेवो विष्णु ददातु स्वस्तिनो नारायणो नरो हरिः स्वस्तिनो
पद्मनाभो पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्तिनो विशक्सेनो विशेषरः स्वस्तिनो ऋषिकेशो हरि ददातु स्वस्तिनो वैनुरतयो हरि स्वस्तिनो अश्नासुतो ओनुन भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति मंगलिकेशो महान श्रीकृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वे सरेश्वर ददातु माधवो माधवो बाजी माधवो माधवो हृदि सत्स्मरन्ति सर्वकार्येषु माधव लाभस्ते संजयस्ते संकुतस्ते संपराभव जेषाम् इन्द्रियवर सैमो हृदस्तु जनार्दन सर्वकल्याणं भवतु तमसो मा ज्योतिर्गमयं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी लोग और सभी लोग प्रसाद भी लो, हर रोज हमारे बरात ही हमारे हर रोज आते हैं, कल भी आ गया था, कल भी आ गया सेम बराती, कुछ कुछ नया भी आते हैं, ठंडी के समय है ना सेम रहता है, गर्मी के समय तो ज्यादा भी हाँ अच्छा आज भी है काल भी है हर रोज है। हाँ उनको दे देना, मैं आपसे ले लूंगा उसी जगह फुल मंदिर। और कौन रह गया? और कौन रहे? और अब भी लो, अरे थोड़ा ले लो, अब भी लो, थोड़ा और कौन रह गया? ले लिया सबने? ले सब ले लिया, अब ले लिया। और पंडित जी लिया हमने? हाँ कोई भी बात नहीं, लेकिन ब्रज है ना ये, हाँ अयोध्या तो ये इसी दराज में रख दीजिए, मैंने सुबह दराज चाहिए हमें ना, हाँ इस दराज है। और किसने लिया?